बाद अभी हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्ते। नमस्ते गोपाल बाबू भैया। नमस्ते दीदी, तो सभी का स्वागत है इस सुबह के सत्र में, हिंदी सेशन में। एक बार मैं जस्ट ब्रीफली स्टेप्स को रिव्यू कर देता हूँ, तो उसमें बैकग्राउंड के साथ हम लोग आप लोग की स्टोरी सुनेंगे और जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हम लोग अभ्यास एक कर रहे हैं जिसमें हम लोग ये अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कल्पनाशीलता के लिए अवेयर हो जाए। कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, एटलीस्ट हमारे अवेयरनेस में आ जाए। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो भी निर्णय हो रहे हैं, जो भी हमारा सुख दुख हो रहा है, वो तो कल्पनाशीलता में हो रहा है। इसलिए कल्पनाशीलता में अवेयरनेस होना एक महत्वपूर्ण बात है। तो एक महत्वपूर्ण स्टेप पर हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा सुख दुख हमारी कल्पनाशीलता में है, और उस कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, हर पल हर क्षण अवेयरनेस बनी रहे, उसी के लिए हम लोग ये अभ्यास कर रहे हैं। तो इस बात पर हम लोग ने कई बार बात कर ही चुके हैं कि ये कैसा अभ्यास है जिसमें हमारा ध्यान अभी बार बार बाहर जाने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि हमारा जो अभी तक का अभ्यास रहा है वो बाहर की चीज़ों को देखना, उसको ठीक कर देना, अपने अनुकूल बना लेना और फिर ये मान लेना कि अब मैं सुखी हो जाऊंगा। इस तरह की चीज़ों का अभ्यास ज़्यादा रहा है, तो हम लोग जब भी स्टेप वन पे काम करते हैं तो एक कॉमन चीज़ दिखती है, ध्यान बहुत ही बार भागता है। तो इस पर हम लोग बार बार ध्यान दिलाया है, दिलाते रहते हैं कि बाहर जा भी रहा है तो भी उस पर कोई रिएक्शन ना आ जाए, बस अपने मन में ये बनाए रखना है, निर्णय बनाए रखना है कि ध्यान तो मुझे अपने में देना है। तो अगर केवल ये निर्णय बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे हम इस बात को देख पाएंगे कि बिना खींचा तानी के भी हमारा ध्यान अंदर जाने की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। तो जो लोग ये कर पा रहे होंगे वो लोग देख पा रहे होंगे, जो खींचातानी कर रहे होंगे अभी बाहर जाता है, रिएक्शन में आ जाते हैं या यही सोचने लगते हैं बाहर चले क्यों जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो जो खींचातानी कर रहे हैं वो जब अंदर आते होंगे तो और परेशान होते होंगे। तो ये बात बार बार ध्यान दिलाई जा रही है कि खींचातानी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सहज रूप में अपने में निर्णय बनाए रखने की आवश्यकता है कि मेरे अंदर, मुझे अपने अंदर ध्यान मिले, ये बहुत सहजता से निर्णय लेने की आवश्यकता है। और फिर जब ध्यान बना रखते हैं तो फिर अपनी कल्पनाशीलता में जो भी चल रहा है, भाव विचार आपका, इसको ध्यान देने का प्रयास करें। तो जब ध्यान दे रहे हैं तो बहुत आसानी से जो चीजें दिख जाती है तो विचार है, और हम ध्यान बना के रखेंगे तो आशा विचार इन सबके पीछे जो भाव चल रहा है उस पर भी ध्यान जाएगा। तो बेसिकली भाव तक पहुंचने की सूक्ष्मता हमारे में विकसित हो जाता है, फिर चीज़ों को रिजॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि गोपाल भाव के लेवल भैया, पर अगर चीज़ें। जी 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 थोड़ा वॉल्यूम बढ़ सकता है क्या? अच्छा ठीक है, अभी बताइए। जी, आगे से बेहतर हुआ भैया। जी अच्छा ठीक है, ठीक। तो भाव के लेवल पर चीज़ों को देखेंगे, एड्रेस करना, उसको रिजॉल्व करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू विचार। अभी क्योंकि हम विचारों को जल्दी देख लेते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें विचारों के लेवल पर सेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम इसको देख पाएंगे तो विचार के पीछे के भाव को हम पकड़ पाए और भाव को हम ठीक से रिजॉल्व कर पाए, तो हम देखेंगे कि बहुत सारा ऊपर जो विचार फैला हुआ था वो बहुत जल्दी सिमट जाता है। अदरवाइज बिना भाव को पकड़े अगर हम विचार को सेटल करने जाते हैं तो ये ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि विचार से विचार की और भी ब्रांचेस फिर हम ओपन करने लगते हैं। तो हम लोग इस अभ्यास को कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही कल हम लोग स्टेप टू पर भी बात की थी,
उसको भी मैं ब्रीफली रख देता हूँ, फिर 1 और 2 को मिलाकर हम लोग बात करेंगे। तो स्टेप 2 में हमने इस बात को कहा था कि हमारे में जो भी भाव विचार चल रहा है, अब मैं सिंपल उससे इतना ही पूछ रहा हूँ अपने से, ये जो भाव चल रहा है ये मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, ये मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं। और फिर मैं पूछ रहा हूँ, मैं इस भाव की निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूँ कि नहीं। कितनी बात हम लोग अब स्टेप 2 में पूछ रहे हैं। तो ये तीनों ही बातें हमको बार बार अपने से पूछना है। जब भी मैं अपने स्टेप 1 में विचार के पीछे के भाव को देख पाऊँ, तो फिर ये वाला 3 पार्ट हमको अपने से पूछने हैं। अगर मुझे लग रहा है मैं अभी भाव तक नहीं पहुंचा हूँ, केवल विचार पे चला हूँ, उसमें ऑब्जर्वेशन बनाए रखा जाए, फिर और ऑब्जर्वेशन डीप होता जाएगा और हमको दिखेगा कि हम भाव तक पहुंच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो फिर उस क्षण हमको अपने से ये पूछना है कि जो भाव चल रहा है ये मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं है, ये जो भाव चल रहा है ये मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं। फिर मैं इस भाव की निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूँ कि नहीं। तो चाहे संबंध का भाव चल रहा हो, चाहे विरोध का भाव चल रहा है, ये तीनों ही प्रश्न हमको अपने से पूछना है। तो अगर संबंध का भाव चल रहा है तो भी हम अपने से पूछें, ये भाव मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, ये भाव मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, इस भाव की मैं निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूँ कि नहीं। अगर विरोध का भाव चल रहा है तो भी मैं ये प्रश्न अपने से पूछूं, ये भाव मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, ये भाव मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, मैं इस भाव की निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूँ कि नहीं। तो ये हम लोग अपने स्थिति में बातें पूछ सकते हैं। और फिर से इम्पोर्टेंट बात यही है जो मैं ध्यान दिला रहा हूँ बार बार पूरे अभ्यास में, कि इतना अपने से पूछना है, अब वापस इस पर रिएक्शन नहीं देना है। तो मान लीजिए हमने अपने से पूछा ये भाव मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, और इसका आंसर हमको मिलता है नहीं, तब तो उस पर रिएक्शन नहीं देना, हम उसका मूल्यांकन कर रहे। तो रिएक्शन नहीं देना है, सिर्फ इतना पूछ लेना है कि ये भाव मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं। तो इतना भी अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग ने ये जो अन्यथा भाव आग भी किया है कहीं से भी, तो उसकी इंटेंसिटी लूज है। तो इतनी 3 बातें, हमको संबंध के भाव है तो भी पूछना है, विरोध का भाव है तो भी पूछना है। तो पहले तो हम लोग स्टेप 1 में अवेयरनेस की बात कर रहे थे कि कम से कम ये क्लियर हो जाए कि पूरी कल्पना शीलता में चलता क्या है। एक बार वो अवेयरनेस होने लगे तो हम भाव विचार आशा को ठीक से देखना चालू करें। एक बार मुझे लग जाए कि मैं ठीक से देख पा रहा हूँ अपने भाव को, तो जिस क्षण भी मैं अपने भाव को ठीक से देख पा रहा हूँ, उस क्षण मैं अपने से ये पूछूं कि ये भाव मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, इस भाव की निरंतरता को मैं बनाए रखना चाहता हूँ कि नहीं। तो इतना करने का काम है, और करते हुए फिर से उसमें रिएक्शन नहीं देना है, उसको हटाने का प्रयास नहीं करना है, बस पूछना है। तो इतना अभ्यास अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे में कुछ ये जो अन्यथा भर गया है, उस अन्यथा को हम ठीक से बदल कर पाएंगे। तो स्टेप 1 और 2, अब इन दोनों स्टेप्स को हमको निरंतरता में करने का प्रयास करना है। और पहले भी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि जो भी हमारे में चल रहा है उसको हम लोग नोट करके रखें। उसको नोट करने से बेनिफिट ये होगा कि हम जब अपनी यात्रा को देखेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा जो चेंज हमने आया है उसको भी हम अप्रिसिएट कर पाएंगे, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो दूसरों के लिए भी काफ़ी यूजफुल हो पाएगा। तो इतनी बात हम लोग स्टेप 1 स्टेप 2 में कर रहे हैं। तो अब हम में से अगर किसी ने इसका अभ्यास किया है कल से आज तक, कर ही रहे होंगे, हम लोग सेशन में जुड़ रहे हैं तो अभ्यास तो कर ही रहे हैं, तो हम लोग अपनी शेयरिंग रख सकते हैं।
स्टेप वन और टू दोनों को ध्यान में रख के हम लोग अपनी बात कर सकते हैं, और मैं स्टेप वन और टू दोनों को ध्यान में रख के आंसर देने की कोशिश करूंगा। जी बताइए, या किसी का ध्यान अगर शेयरिंग पर है, शेयरिंग करना चाहते हैं, स्टेप वन और टू को लेकर आप क्या ऑब्जर्व कर पाए, कितनी देर आप अपने में अवेयरनेस रख पाए, कितनी देर आपको इस बात का अवेयरनेस रहा कि मेरा ध्यान कल्पनाशीलता में है या बाहर चला गया। तो जितनी देर मेरा ध्यान अपनी कल्पनाशीलता में है, उतनी देर मैं अपने विचार के पीछे से भावना तक पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं पहुंच पा रहा, और पहुंच पा रहा हूँ भाव पर तो फिर मैं अपने से ये तीन प्रश्न पूछ पा रहा हूँ कि नहीं, कि ये जो भाव चल रहा है ये मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, ये मेरे स्वभाव के अनुरूप है, मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, और इस भाव की निरंतरता को मैं बनाए रखना चाहता हूँ कि नहीं। इतनी बात हम लोग कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल के लिए और भी चीजें हैं लेकिन मैं देता रहूंगा एग्जाम्पल, लेकिन इतने में अगर किसी की शेयरिंग है तो हम लोग बात को रख सकते हैं। नमस्ते भैया। हेलो, नमस्ते सर। जो ऑब्जर्वेशन एक्चुअली आई हैव बीन परफॉर्मिंग इलेक्शन ड्यूटी फॉर लास्ट 4 डेज, यस्टरडे फर्स्ट लास्ट ऑन द 1 जून। तो जो मतलब जो देखा हम लोग, जैसे इंस्ट्रक्शन सब दिया दिया गया था बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बीजेडी ऑफिसर, जो जी काम मतलब सब जो काम था विपरीत था। मतलब काल तब रात 4 हो गया, डिलीवरी सेंटर में 1000 लोग बाहर से थे, मैं लाइन में खड़ा होकर 4 बजे वो डिलीवरी। तो वो जो सिचुएशन था, माहौल था, देखते तो मतलब वो कैसे मतलब हम ये आपको ठीक रख पाए। मान लीजिए जो ड्यूटी है ठीक है, हम लोग तो कर रहा हूँ, फिर भी मान लीजिए कोई सीनियर ऑब्जर्वर है, सेक्टर ऑफिसर है, इनका साथ भी जो लोकल पार्टी आ रहे हैं, और 100 मीटर का साथ जो कंपेनिंग भी वो इलेक्शन ड्यू डे में भी कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन मतलब जो जितना दायित्व तो दिया था इसको हम लोग ठीक है। मतलब जैसे यूएसबी कंटेंट्स का साथ जुड़ा हुआ हूँ तो थोड़ा से मतलब वो तो मतलब अपने आप में तो बैलेंस कर पाया, फिर भी इतना मतलब अंदर से अंदर मतलब जो चल रहा था इसको मतलब हम मतलब जो ऑब्जर्वेशन की बात में जैसे बोल रहा हूँ ना, तो ठीक ना मतलब कर नहीं पाया। तो इसी मतलब इसी का बारे में हम जो हर वक्त में हम लोग जैसे आपको ठीक रखना है, वो एक्चुअली इज ए प्रोसेस, एक्चुअली इट इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बिकॉज जो हमारा जो इमेजिनेशन, जो विचार, जो आशा जो चल रहा है, वो प्रतिक्रिया नहीं होगा मतलब ऑटोमेटिकली आ जाता है सर। मतलब बॉडी भी हम लोग 1-2 दिन से नहीं खाया, एक्चुअली सिचुएशन ऐसे था, रात में भी नहीं सोया 2 दिन से, तो इस सिचुएशन हम कैसे एक्चुअली इसको मतलब प्रतिक्रिया नहीं करेंगे सर, इसका ध्यान रख। जी ठीक है, बढ़िया है। तो आपके अराउंड जो सिचुएशन है काफ़ी ऑड रही है ना, और ये जो परिस्थितियां हैं हमारे अराउंड, बेसिकली अच्छा मौका भी मिल जाए कि मैं जितना समझ रहा हूँ उसमें कितना सस्टेन कर पाऊंगा, है ना। तो देखिए उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैं बात रख देता हूँ अपनी। तो पहली स्टेप में तो मैं ये रखना चाहूँगा कि बाहर परिस्थितियाँ कैसे भी हों, चाहे मेरे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन जो मेरा में रिएक्शन आ रहा है वो मेरी कल्पनाशीलता में आ रहा है। ये बात बिल्कुल ना हमको क्लियर होनी भी चाहिए और होगी भी काफ़ी हद तक। फिर हाँ सर, दूसरी बात होने यह है चाहिए कि सर, जी, होने मैं चाहिए बिल्कुल जरूर यही सर। मतलब जी। फिर देखिए दूसरी बात यह है कि बाहर कुछ अन्यथा हो रहा है उससे मेरे में रिएक्शन आ रहा है, या बाहर अन्यथा कुछ हो रहा है और उस अन्यथा को लेकर मेरे अंदर जो विचार और भाव बन रहा है वो विरोध का बन रहा है, उससे मैं परेशान हो रहा हूँ।
ये हम लोग को और थोड़ा सा सूक्ष्मता से देखना चाहिए। इसी में एक बात है, मेरा जो फिजिकल बॉडी, जो बॉडी का जो लिमिटेशन है, इससे ज्यादा मतलब वो जो बॉडी का 24 आवर्स, मान लीजिए एक क्यू में 6 घंटा खड़ा हुआ तो फिर भी जो काम करेगा तो वो बॉडी परमिट नहीं करता है, मतलब कंटिन्यूअसली टू लाइक वर्क फॉर 48 आवर्स, इसमें भी लिमिटेशन आ जाता है, वो मतलब टीयर्स कम्स डाउन, इतना पेन होता है सर, जी तो इसी को कैसे मतलब बैलेंस करें? हाँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा था ना, स्टेप बाई स्टेप मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो एक तो ये पहली बात मैंने की है, ये भी आपको मेरे ख्याल से क्लियर ही है। से दूसरी बात को अगर ये तो बात, देखेंगे तो हाँ जी, तो दूसरी बात देखेंगे तो बॉडी की अपनी एक लिमिटेशन तो है ही, मटेरियल है उस बॉडी की, उतना भी नीड पूरी नहीं होगी। तो अगर हम अपने को देखेंगे तो हम स्वीकार कि अपनी बॉडी का हम पोषण कर सके, प्रोटेक्शन कर सके, सहज स्वीकार तो यही है। तो उसमें क्या है हो रहा है सर, कि हम बाहर कुछ प्रतिक्रिया करें इसके बजाय हम उसको रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो हमें बोलना ही है ना कि भाई कम से कम भोजन तो हमको ठीक से मिले, है ना, इतनी बात तो हमको कहनी है। क्योंकि तो भोजन से एक शरीर की आवश्यकता हो ही गया, अगर इतने 6 6 घंटे 8 8 घंटे से हम काम कर रहे हैं और उसमें भी हमको भोजन भी ठीक से नहीं मिल रहा, तो एक आवश्यकता तो है शरीर की। तो इतनी बात तो हम बोलेंगे ही, है ना, और बोलना भी चाहिए। लेकिन इतनी बात हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब इतनी बात भी बोलेंगे तो अपने में कंफर्टेबल रहते हुए बोल सके और अनकंफर्टेबल रहते हुए बोल सके, ये दोनों ही चॉइस मेरे में बनी रहती है ना। तो प्रतिक्रिया नहीं करेंगे ऐसा नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं रिस्पॉन्स करेंगे और करते हुए, ये दोनों ही चॉइस हमारे में बनी। हम अपने में विरोध में आकर भी ये बात कह सकते हैं, हम अपने में उस समय ना स्वभाव में रहते हुए भी ये बात कर सकते हैं। तो ये दोनों चॉइस रहते हैं। तो नहीं करेंगे ऐसा नहीं कह रहे, करेंगे लेकिन इस दोनों में से किस चॉइस के साथ जाएंगे, कौन सा भाव हमको सहज स्वीकार है, उसका चॉइस अभी मेरे पास रहता है। इतनी बात अभी मैं इसमें ऐड करूंगा आपके। अब इस पर अगर आपको कुछ फर्दर कहना चाहिए। नहीं सर, बहुत मतलब बढ़िया है, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग सेशन से जुड़ा हुआ हूँ तो रोटी जी से, तो इसी आधार से मतलब जो रेस्पॉन्ड मतलब हो रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे लगता है कि दुनिया जो चल रहा है ना ठीक मतलब नहीं है, तो वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब हम लोग जैसे मत मान लीजिए 700 पोल हुआ, रात 3 बजे से मतलब रात 7 इंटर मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है, बॉडी को रेस्ट नहीं मिला, तो इसलिए थोड़ा तो मतलब दिक्कत आया सर। तो इसी जो मॉर्निंग सेशन का बारे में भी हम जो जो अटेंड कर रहे हैं, हम लोग ये जो जो डेवलपमेंट हुआ है इसी का आधार से हम लोग एटलीस्ट बात कर पाए, सिचुएशन को सही टैकल कर सिच कर पाए, तो वो तो बड़ी बात है। फिर भी सही मतलब बात वो एक्चुअल 2 4 दिन से हम ज्वाइन कर नहीं कर पाया, ठीक है आज तो जी आया सर, एक्चुअली तो ज्वाइन कर रहे तो इसलिए थोड़ा ठीक है सर, बहुत जी बढ़िया, जी थैंक यू सर। जी बढ़िया भैया। और ये अच्छी बात है, देखिए हम लोग इसको डिफरेंस को भी देख पा रहे हैं कि हम लोग इस कठिन परिस्थिति में भी अपने ऊपर ध्यान देते हुए हम बात कर पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। जी सर, अदरवाइज भी हमको बहुत डिफरेंस इमिजिएटली दिख सकता है, जो लोग अभी इस तरह के कंटेंट से नहीं निकले, है ना, अपने में एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस से नहीं निकले, उनका इस परिस्थिति में इसको रिएक्शन देना, और हम जो लोग निकल रहे हैं इस पूरे प्रोसेस से उनका परिस्थिति में रिस्पॉन्स देना, ये भी डिफरेंस बहुत क्लियरली दिख जाता सर है। तो एक ये बात अच्छी है बात सर, है रेस्पॉन्ड नहीं आ जी रहा है, फिर भी हाँ मतलब अंदर से कुछ मतलब जो फीलिंग्स आ रहा है, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि बाहर सर हो रहा है, तो मतलब जे ऐसे आप मान लीजिए अभी बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकल टीयर्स इज जी कमिंग डाउन, इट इज द फीलिंग्स ऑफ करेक्ट, वो ये फीलिंग्स ऑफ रिलेशनशिप, आई थिंक इट इज फीलिंग्स ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस इज द कंफर्टेबल सिचुएशन, समटाइम्स द फीलिंग्स ऑफ रिलेशनशिप द टीयर्स कम डाउन, नॉट द अपोजिशन ऑल्सो, दैट्स माय रिस्पॉन्स सर। इज इट राइट सर और रॉन्ग सर? देखिए, उसमें मैं इतना कहूंगा, अगर टीएस आपके आ रहे हैं उसको आने दीजिए और अपने ऊपर अवेयरनेस बनाए रखिए, है ना, अवेयरनेस बनाए रखना, ऑब्जर्वेशन बनाए रखना और उसको होने देना।
ये है उनसे ना। भी है। एक बार वो जो आवेश अंदर है ना, ठीक है सर। चाहे वो संबंध के कारण आया चाहे विरोध के कारण आया, वो नहीं एक सर, बार चीजें निकल संबंध जाएगी। जी को देख पाए, फिर भी जो पेन है, बॉडी का लिमिटेशन है, इनको तो ऑटोमेटिकली कमिंग, जी सो दैट इज ऑल्सो नेचुरल आई आई थिंक, मे बी रॉन्ग सर। थैंक यू सर, नमस्ते। तो उसको होने देंगे तो बॉडी और रिलैक्स भी हो जाएगी। जी सर, जी भैया नमस्ते। जी सर नमस्ते। जी तो एक प्रश्न ये उठा कि जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है कि जो हमारे एज एक्सपेक्टेड नहीं होती है ना, जैसे हम कहें कि विरोध का भाव बनता है, आपने कल कहा था कि जैसे आपने अभी भी पहले भैया को कहा कि जब भी हमने कुछ बोलना है ना, या कुछ भी कहना है, तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि कंफर्टेबल भाव से भी अपने आप में, और अपने आप में अनकंफर्टेबल होके भी। जी तो जब तक ये चीज ध्यान में आती है, तब तक ऑलरेडी विरोध का भाव बन चुका होता जी है। मीन्स ये अब धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होके प्रैक्टिस के साथ ठीक होगा, या कहीं पर मीन्स गलत हमने कुछ बात कैच कर ली कि ध्यान में तो आ रहा है, पहले ये भी नहीं आता था, सब कुछ हो जी जाता था फिर भी नहीं आता था, पर अब जैसे विरोध का भाव बन गया, और अभी उसे हम बाहर उससे रिएक्शन करने से पहले जो ये टाइम पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें ऐसे मीन्स जब कर पाते हैं ऑब्जर्व कि हाँ हमारे पास दो ऑप्शंस भी हैं, कंफर्टेबल होके भी कहा जा सकता है, अनकंफर्टेबल होके भी, और जब कभी कंफर्टेबल होके भी हम कहने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर वही बात है, एक दो दिन या हफ्ते में अंदर ही अंदर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और फिर निकलता है एक साथ ही। तो भैया इस प्रोसेस में जो हम लोग चल रहे हैं ना, तो 3 स्टेट हो सकती हैं। तो हम जी सब लोग देख लें कहाँ कहाँ पर भी है, तो तीनों बातें मैं बोल देता हूँ। एक स्टेट ये हो सकती है कि हमारे में कुछ विरोध का भाव आता है, हमको पता नहीं चलता है, उससे विचार फैल जाता है, हमको पता नहीं चलता है, वो एकुमुलेट होने लगता है, और एकुमुलेट होते होते बहुत डेंस हो जाता है, और डेंस होकर हमारे शरीर से रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। जब रिफ्लेक्ट हो जाता है तब हमारा ध्यान जाता है, फिर हम स्टेप पर ध्यान देते हैं कि विरोध का भाव से पहले विचार आया होगा, ये भी क्यों आया है, ये हमको सहज स्वीकार नहीं है, भाव सहज स्वीकार नहीं है। तो एक सीक्वेंस तो ये है कि कुछ हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, होते होते हमारी कल्पनाशीलता को उसने कर दिया, हमको पता नहीं चला, फिर वो एक्सप्रेस हो गया। जब एक्सप्रेस हो जाता है तब हमारा ध्यान जाता है, एक सीक्वेंस ये है। दूसरी सीक्वेंस ये हो सकती है कि अगर हम इस अभ्यास को कर रहे हैं कि हमारे में कुछ बन रहा है ना, जैसे विरोध का भाव बन रहा है, तो जब बन रहा है तभी हमारा ध्यान जा रहा है कि देखो अब बनना स्टार्ट हो गया, और उसी समय हम अपने में अवेयरनेस से इस बात को तय करें कि अब ये जो भाव बना है क्या ये मुझे सहज स्वीकार है, क्या यही मेरा स्वभाव है, क्या मैं इसकी निरंतरता चाहता हूँ। अगर उतना पूछेंगे तो फिर हम लोग देख पाएंगे अभी आगे क्या हो रहा है, इतना कुछ। तो एक सीक्वेंस ये होती है जब बन रहा है तो हमारा ध्यान चला गया। एक स्टेट ये हो सकती है कि मैं ही तय कर रहा हूँ अब मेरे में क्या भाव चलेगा, तो मेरे में इस परिस्थिति में ग्रोथ का भाव चलेगा या का भाव चलेगा, ये तय कर पा रहा हूँ, और तय करने के साथ भाव चलाने का है, और वो दूसरे साथ। तो ये 3 स्टेट हो सकती है। तो अभी देखेंगे जब इस प्रोसेस से, जब लोग पहले वाले स्टेट में होंगे कि चीजें बनती हैं, ध्यान नहीं देता है चीजें बनती हैं, ध्यान नहीं देता है, एक जी ठीक है, थैंक भैया को मैं ये बता रहा था कि हम लोग भी इसी प्रोसेस से निकले हैं, तो जब इस प्रोसेस से हम लोग चल रहे हैं, तो अगर मैं अपने को भी देखूं तो मैं भी इसी स्टेट से ही निकल के आया हूं, और बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूं, तो जो हो रहा है ये प्रोसेस के तहत हो रहा है ना, इसमें कोई बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि जब हम सब कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं तब ध्यान क्यों जा रहा है, तो ये प्रोसेस के तहत हो रहा है। तो देखेंगे पहले तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता था, एक्सप्रेस होने के बाद हमको ऐसा लगता था कि मेरे इस दुख का कारण ये सामने वाला व्यक्ति है,
तो हम सब जब इस प्रोसेस में निकल रहे हैं तो एक स्टेट अब ये आ गई है काफी लोगों के साथ कि एक्सप्रेस होने के बाद ध्यान तो जा रहा है कि कुछ ना कुछ विचार में ऐसा चला होगा जो विरोध के भाव से स्टार्ट हुआ होगा। कुछ लोगों देखेंगे जो और इसमें वर्क कर रहे हैं वो सेकेंड स्टेट में भी दिखाई देंगे या अपने को पाएंगे कि कुछ बन रहा है, तभी हमारा ध्यान चला गया है और हम अवेयरनेस से पूछ पा रहे हैं कि ये जो भाव चल रहा है ये हमको सहज स्वीकार है कि नहीं, मैं इसकी निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं। और जो लोग अभ्यास कर रहे होंगे और आगे जो लोग अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करते करते हम इस स्टेट में भी आ सकते हैं कि अब मैं निर्णय पूर्वक ही तय करूंगा कि मेरे में क्या भाव चलेगा इस परिस्थिति में भी। तो जो निर्णय पूर्वक मैं चलाऊंगा, अगर स्नेह का भाव चलाऊंगा तो स्नेह का भाव ही चलेगा, इसको भी हम बहुत अवेयरनेस से तय कर पाएंगे। तो ये तीन स्टेट है भैया, हम में से हर कोई कहीं ना कहीं तो होगा ही, लेकिन अच्छी बात है, ये भी एक इम्प्रूवमेंट है प्रोसेस में जाने के बाद कि अब हमारा अच्छा जाता है। जी भैया, इस पे अगर जी आपको कुछ बस और एडिशन करना है तो नहीं मैं भी। बस थैंक यू थैंक यू। ठीक है, नमस्ते जी। नमस्ते भैया, नमस्ते जी सभी को। भैया आपने जो ये तीन स्टेप बताए ना, इसमें जो ये पहला स्टेप है तो मतलब कोई भी जैसे होती है एक्शंस वगैरह, क्या होता है कि वो कितना डीप चला जाता है, हमें लगता है कि हमने जैसे कि इग्नोर कर दिया या सिचुएशन को हमने अपने में उतना इफेक्ट नहीं होने दिया, बट वो कितना अपने अंदर गया ये उस टाइम पता नहीं चलता है। फिर भी कोई विपरीत परिस्थिति जब फिर आती है ना, अनुकूल परिस्थिति जब आती है तब वो एकदम से बाहर आता है। तो भैया इसका आंकलन कैसे करें कि वो हमारे अंदर कितना गया है कितना नहीं गया है, इसका हम कैसे मेजर करें कि नहीं जैसे ये बात हमने इतनी टच नहीं की, तो ये इस चीज को कैसे समझे भैया? जी 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 अच्छा क्वेश्चन है आपका काफी। तो देखिए, जब हम इस प्रोसेस से निकल रहे हैं, अपने को अवेयरनेस रखनी है स्टेप वन में, फिर स्टेप टू में इस बात को हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस के साथ कि अब जो भाव चल रहा है वो मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं। तो इसमें कुछ चीज, कुछ संस्कार, कुछ भाव तो हमको इमिजिएटली दिख जाते हैं, है ना। तो जैसे आप, हम सब मान लीजिए अभी बैठे बैठे देखेंगे तो कुछ चीजें तो हमको दिख जाती हैं, कुछ चीजें परस्परता में दिखेंगी। जब हम इंटरेक्शन कर रहे होंगे तो उस इंटरेक्शन को करते समय, है ना, उस इंटरेक्शन को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हमारे में बहुत सारे मान्यताएं बनी हुई हैं, संस्कार रूप में बना हुआ है कि ऐसे सिचुएशन को ऐसे ही हैंडल करना है। तो कुछ चीजें, कुछ संस्कार हमारे में तब एक्टिव होते हैं जब बाहर परिस्थितियां आती हैं। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए, कैरेक्टर को उसको नहीं समझते। जैसे एग्जाम्पल के लिए, रास्ते में एक कार या बाइक का एक्सीडेंट हो जाए तो एक ये मान्यता बनी हुई है कि तुमको चिल्लाकर ही बोलना है, जितना चिल्लाकर बोलोगे तभी सामने वाला चुप होगा। अब ये अपने में बना रहता है, अब ये ऐसे नहीं दिखाई देगा, है ना। तो जैसे हम बैठे बैठे अपने को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये अभी नहीं दिखाई देगा, जब वो घटना होगी और उस घटना के लिए हमने अपने में जो बना रखा है पहले से, ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये अवेयरनेस का अभ्यास, इसीलिए कह रहे हैं हर पल हर क्षण 24x7 हमारा अवेयरनेस पर ध्यान चला जाए कि हमको अपनी कल्पनाशीलता को देखते ही रहना है। तो जैसे ही ये परिस्थितियां आती हैं ये एक्टिवेट होगा, जैसे ही एक्टिवेट होगा और हमने इतना अभ्यास किया हुआ अवेयरनेस का, तो जैसे ही वो कार टकराएगी तो तुरंत हमारा कल्पनाशीलता में कुछ उठेगा, हमारा ध्यान उस पर बना रहेगा कि अब देखो ये उठ रहा है और ये विरोध का उठ रहा है। और जैसे ही विरोध का उठेगा हम अपने से पूछेंगे फिर से कि ये मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, ये मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, इसकी मैं निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं। तो इसीलिए दीदी वो अवेयरनेस की बात हो रही है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, कई संस्कार बहुत गहराई से बने हुए हैं और कई तो बहुत ही, जब बाहर परिस्थितियां आती है ना तब वो एक्टिव होते हैं, और एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि हमने उन परिस्थितियों को कैसे संभालना है उसको बहुत लिए निर्णय बना के रखा हुआ अपने में। तो उन निर्णयों से भाव विचार हमारे तय हो जाते हैं, थ्रू एक्सप्रेशन में आ जाता है। तो कितना डीप है इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो जब
कितना डीप है ये ऐसे पता चलेगा कि जब परिस्थितियां आई, आपके अंदर कुछ भाव आया, विचार आया, आपने अपने से पूछा, है ना, पूछ के छोड़ दिया, ऑब्जर्व करते रहे, फिर जब दोबारा परिस्थिति आएगी तो फिर से आ गया उतनी इंटेंसिटी से। इसका मतलब वो बहुत डीप है। हर बार अगर उसकी इंटेंसिटी आप कम देख पाते हैं तो इसका मतलब उसको हम अब हिट कर रहे हैं धीरे धीरे। स्वभाव के आधार पर जब हम पूछ रहे हैं कि मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, तो अब उसका इवेल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो डीप का मतलब यही है कि जब भी आता है उतनी इंटेंसिटी से चलाता है। और उतनी इंटेंसिटी से क्यों आ रहा है? क्योंकि जब वो अपने में आता है तब हम अपने अवेयरनेस के साथ उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते, उससे पूछ नहीं पाते। तो बहुत परिस्थितिवश आता है, हमारे विचार में फैल जाता है, फिर हमारे एक्सप्रेशन में रहता है, फिर एक्सप्रेशन में आ जाता है तो हमारा ध्यान रहता है। तो कुछ जब हम ये प्रोसेस कर रहे होंगे, कुछ संस्कार तो ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत डीपर बने हुए हैं, लेकिन जब उसके लिए परिस्थितियां बनेगी तब वो आएंगे। तो अगर हम तब भी अवेयर हैं तो हम उसको धीरे धीरे इवेल्युएट कर सकते हैं। जी, इतनी बात पर अगर आपको कुछ सही और है कहना है तो बताइए। जी भैया। मैं ये पूछना चाह रही थी, ये तो मुझे समझ आ गई, बट जैसे मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ अभी इन दिनों अपने भाव विचार पर, उस टाइम कोई सिचुएशन रेज हुई, समझ लीजिए किसी ने कुछ कहा जो जो मतलब सही नहीं है, ठीक है, बट क्योंकि ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि नहीं चलो कहा तो उसको स्वीकृति दी कि चलो कह सकता है, क्योंकि उसकी मान्यता ये है, हमारी मान्यता ये है, उनके लिए सामने वाले के लिए ये सही है, मेरे लिए ये सही है, अपने आप को इस तरह से समझा लिया। बट क्या होता है, बट जब कभी फ्यूचर में जब वो सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है ना, तो वो बात बहुत इफेक्ट करती है, तब समझ में आता है कि नहीं हमने तो उसको ऑब्जर्व भी किया, देखा भी, और उसको मान्यता भी दे दी, चलो कि ठीक है कोई बात नहीं, स्वीकृति दे दी कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है सामने वाले से भी गलती हो सकती है, बट वो अपने अंदर चला गया, और वो चला भी गया और इतना डीप भी चला गया, और वो रिएक्ट भी कर जा रहा है। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि जब हम देख भी रहे हैं और देख के उसका एक होता है ना कि आंकलन भी कर रहे हैं कि नहीं जो है सही है, गलत होते हुए भी उसको सही में देख रहे हैं, ठीक है ये भी मान रहे हैं कि वो सामने वाला गलत नहीं है, बट फिर भी वो अपने अंदर चला जा रहा है, तो उस चीज को कैसे निकाले, वो ठीक है, चीज तो मैं ये समझ चाहती जी ये प्रश्न ज्यादा स्पष्ट तरह से आपने रखा है, तो इसको हूँ। देखिए मैं हाँ दो पार्ट में बताने की कोशिश करूंगा, है ना। तो बेसिकली देखेंगे जो आप जो बता रहे हैं उसमें एक टेक्निकल स्लिप है, उसमें एक जगह स्लिप हो रहा है आपके ऑब्जर्वेशन में। तो दो तरह दो पार्ट में मैं उसको रखने की कोशिश करूंगा। पहला तो देखिए क्या है कि वो जो कर रहा है वो सही है, मैं जो सोच रहा हूँ ये सही है, इसको थोड़ा और ठीक से इवेल्युएट करना। हमको इस बात पर देखना पड़ेगा कि अभी जो उसको सही लग रहा है हो सकता सही हो, लेकिन अगर उसकी निरंतरता नहीं हो पाएगी तो उसके लिए भी सही नहीं है, मेरे लिए भी सही है। तो जैसे मान लीजिए डोमिनेशन, कोई व्यक्ति घर में डोमिनेट करके बोलता है तो ये उसके लिए भी सही नहीं है, मेरे लिए भी सही नहीं है, भले उसको भी सही लग रहा है। मेरे लिए सही क्यों नहीं है? क्योंकि तो मैं उसको इवेल्युएट करके देख पा रहा हूँ कि इस भाव से जब मैं अपने में चलाता हूँ तो मुझे तो इसका दुख मिलता है, मैं तो अनकंफर्टेबल होता हूँ। इस बात को मैं अपने में देख पा रहा हूँ इसलिए मेरे लिए सही नहीं है, तो तय हो गया। लेकिन उसके लिए ये सही है ये ठीक लग नहीं है, वो जब भी अपने में देखेगा तो वो भी यही पाएगा, तो उसके लिए भी वो बात सही नहीं है। तो एक तो ये बात की क्लियरिटी हो गई। तीसरी बात, दूसरी बात ये है कि वो भी अपनी मान्यता को इवेल्युएट कर सकता है जिस तरह से मैं अपने संस्कारों को इवेल्युएट कर पा रहा हूँ, है ना। उसमें भी अपने संस्कारों को इवेल्युएट करने का पोटेंशियल है जैसे मेरे में, ये बात दिखनी भी जरूरी है। अगर ये बात दिखेगी ना तो हम उसके मान्यताओं को केवल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके साथ साथ, है ना, उसके साथ साथ हम उसका उसके पोटेंशियल पर भी ध्यान दिलाने का प्रोग्राम बना पाएंगे। अगर ये वाला प्रोग्राम हम नहीं बना पा रहे हैं
कि उसका उसके पोटेंशियल पर ध्यान चला जाए, तो वो अपनी मान्यताओं को और गहराई से स्वीकारता जाएगा जो उसके लिए भी सही है। तो आपको उसके इस आचरण से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, वो ऐसा ही करता रहेगा। अब दूसरे पार्ट में आते हैं, आपकी तरफ वाला जो पार्ट है, उसमें मैं भी ये कहना चाहूंगा कि जब हम ये बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि ये ना सही नहीं है, फिर भी मैं उससे इम्पेक्ट हो जा रहा हूँ, मेरा उस पर असर पड़ रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि पहले जब वो कुछ करता है, मेरा उस पर इम्पेक्ट आ जाता है, आने के बाद हमको अवेयर नहीं रहती है, इम्पेक्ट पड़ जाता है, फिर हम इसको तर्क के आधार पर सेटल कर रहे होते हैं कि देखो ये सही तो नहीं है ना। तो वो जो हम तर्क के आधार पर सेटल कर रहे होते हैं ना, तब तक हम इम्पेक्ट हो जाता है, या तर्क के आधार पर, देखिए दो दो रास्ते होंगे जब हम तर्क के आधार पर सेट करेंगे। एक रास्ता क्या होगा, देखो वो जो सोच रहा है ना, उसको सही तो लग रहा है ना, उसका दुख भी मिल रहा है, परेशान भी होगा भाई, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हम क्या लेते हैं, देखो मेरे लिए तो ये ठीक नहीं है ना, मुझे तो सह स्वीकार नहीं है। तो ये दोनों ही बातें हम अभी तर्क के लेवल पर सेटल कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमको लगता तो है कि हमको इम्पेक्ट नहीं हो रहा है, हम तो सोच ही रहे हैं सह स्वीकार है तुम्हें, लेकिन बेसिकली वो इम्पेक्ट हो चुका है, इसीलिए हम परेशान हो रहे हैं। तो जब कोई कह रहा है और मेरे में इम्पेक्ट पड़ रहा है उस बात का, तब मैं अवेयरनेस से नहीं देख रहा हूँ, इसीलिए वो इम्पेक्ट हो जाता है, इसीलिए बाद में हमको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों हो गया। तो दीदी उसी के लिए हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब हम परस्परता में इंट्रेक्शन कर रहे हैं, तो और अवेयरनेस की आवश्यकता है कि जब कोई व्यक्ति बोल रहा है और मेरे में जो आ रहा है उसको मैं अवेयरनेस से देखूं। तो मैं इस बात को समप कर देता हूँ 2 लाइन में। तो बेसिकली जो आप ये कहना चाह रही थी कि मुझे इम्पैक्ट तो नहीं हुआ लेकिन बाद में लगता है ना, तो बेसिकली इम्पैक्ट हो चुका है, जब इम्पैक्ट हो रहा था तब मैं उसको नहीं देख पा रहा था, वो इम्पैक्ट जब फैल गया है तब मैं तर्क के आधार पर सेटल कर रहा हूँ। तो उससे निकलने का रास्ता फिर अभी तो मुझे यही दिखता है कि जब हम इंटरेक्शन में हैं, परस्परता में हैं और दूसरों को सुन रहे हैं, तो दूसरों को सुनते समय अपने में और अवेयरनेस बना के रखते कि इसके बोलने के बाद मेरे में क्या संस्कार उठता है, क्या भाव उठता है, क्या विचार उठता है। जैसे ही उठता है वहीं पर ही अगर आप सेकंड स्टेप अपने से करेंगे कि क्या सह स्वीकार है, तो इसका इंटेंसिटी डाउन हो जाएगा। हम उस समय नहीं पूछते हैं, हम बेसिकली जब फैल जाता है विचारों में तब पूछ रहे होते हैं। तो एक लेवल पर हमको ऐसा लगता है इम्पैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन इम्पैक्ट तो हो ही चुका है, तभी तो हम परेशान भी हो रहे हैं। जी। या वो मैं एक्चुअली एक्चुअली कुछ सिचुएशन आई थी, तो मैंने उसी टाइम पे उसको तर्क करके उसी सिचुएशन में उसको इवैल्यूएट किया, ठीक है, मुझे अफेक्ट नहीं किया बिल्कुल भी, बट समहाउ लास्ट जब जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एक्चुअली लास्ट सेशन से ही कर रही हूँ, तो ऐसा होता है ना भैया, मैंने नोटिस किया है कि हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस टाइम हमें फील होता है कि वो चीज हमें इफेक्ट नहीं कर रही है, हम तो ये सिचुएशन को पार कर लिए और हम पे इसका प्रभाव भी नहीं पड़ा, बट वो सिचुएशन में रेज होती है भैया। अब जैसे कल भी मैंने जब इसको इवेलुएट किया, मुझे उस टाइम एकदम भी फील नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं, जैसे उस बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा मेरे ऊपर, और मैंने उसको तर्क करके उसी टाइम में अपने मन में क्या इम्पैक्ट सामने से डिस्कस करके, जिसने गलत बोला उसके साथ नहीं, किसी और के साथ बैठ के डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट मैंने कर लिया कि नहीं, वो उसकी मान्यता है, ये मेरी मान्यता है, वो अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही, ठीक है, उनको जब समझ आएगा तब आएगा, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, वो जैसे हमें उन्हें वैसे स्वीकार करना है। बट होता क्या है फिर जब कभी सिचुएशन आती है, समाओ हम कहीं बिजी रहते हैं, उतना ध्यान नहीं बना हुआ रहता है, ऑब्जर्वेशन में नहीं रहते हैं, उस टाइम पे वो चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है और हम रेस्पॉन्स कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, तो वो चीज मुझे, मतलब मैं कल जब ऑब्जर्व भी कर रही थी ना, मैं यही सोच रही थी कि मैंने तो इसको अभी तो सेटल कर लिया है, बट आगे जाके कभी जैसे होता है ना सिचुएशन रेज होती है, ये एकदम से जंप करके आता है और अपना रिएक्शन दे के सब सब कुछ बिगाड़ के पूरा चला जाता है, तब समझ आता है कि अरे ये तो वो चीज थी जो मैंने, मुझे ये भ्रम था कि मैंने इसको समझ लिया, बट ये तो अपना काम करके भी चला गया, इस तरह से होता है भैया।
तो ये चीज मुझे नहीं समझ आती कि मैं ऑब्जर्व भी कर रही हूँ, इवेल्युएट भी कर रही हूँ, उसको सेटल भी कर रही हूँ, तर्क भी कर रही हूँ, सभी कुछ कर रही हूँ, बट फिर भी वो अपनी छाप छोड़ के चला जाता है। तो फिर ऐसे जी। फील होता है कि मैं ऑब्जर्व कर ही रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आता, फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ एकदम। तो दीदी मैं फिर से ध्यान दिला दूं, है ना? तो बेसिकली आप उस समय एनालिसिस कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व करके उसको इवेल्युएट नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए एनालिसिस करके तो हमको लगता है चीजें तर्क के आधार पर सेट हो गई हैं, लेकिन भाव के लेवल पर देखेंगे तो उसका प्रभाव तो बन ही गया है, वही कंटिन्यू रहता है अपने में। फिर वो जब आपका ध्यान वहां से हटता है तो वो छल के आता है फिर से। तो इसको मैं थोड़ा सा दीदी और देखिए एनालाइज कि हम एनालिसिस कर रहे हैं कि ऑब्जर्व करके इवेल्युएट कर रहे हैं, ये दो स्टेप को देखना बहुत जरूरी है। दोनों में क्या फर्क है भैया? जी दीदी, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था शुरू में, दोनों में ये फर्क है। मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कहा, ठीक है, जब आप किसी ने आपसे कुछ कहा तो उसके परिस्थिति में आपके जो संस्कार बने हुए हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जब एक्टिव हो गया है, हमारा भाव बिगड़ गया है और हमारे में हम उससे प्रभावित हो गए हैं, उस प्रभाव में आकर उसके लिए विचार चलाने लगे हैं विरोध का, अब हम तर्क के आधार पर सेट कर रहे हैं कि देखो, है ना, वो जो कर रहा है वो ठीक है या नहीं, उसकी हेडेक है हमारी हेडेक थोड़ी नहीं, हमारा सुख दुख तो हमारे साथ में रहेगा, हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, उसकी बातों को भी अपने ऊपर क्यों आने देखना। अब ये सब जो हम कर रहे हैं ना दीदी, ये सब तर्क है। तो बेसिकली हमारे में उसका प्रभाव आ गया है, उस प्रभाव से विरोध का भाव आ गया है, उससे विचार आ गया है, अब हम विचार के लेवल पर सेटल कर रहे हैं, यानी कि विचारों को तर्क से सप्रेस कर रहे हैं। ये एनालिसिस वाला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ऑब्जर्वेशन से इवोल्यूशन वाला। जब कोई व्यक्ति बोल रहा है उसको मैं सुन रहा हूं, सुन के मेरे में कुछ भाव आया है, उस भाव को ही अब मैं देखकर, है ना, ये ऐसे चलते हैं, उसने कुछ कहा, मेरे में प्रभाव पड़ा, विरोध का भाव आया, विचार आया, अब मैं अवेयरनेस से देख रहा हूँ और मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो विरोध का विचार आया है इसके पीछे भाव को देखते हैं। तो आपने भाव को देखा कि इसके पीछे तो विरोध का ही भाव है, अब आप अपने से पूछ रहे हैं क्या ये भाव मुझे सहज स्वीकार है, भाव को देखकर ना कि विचार को देखकर। विचार को देखकर अगर पूछेंगे तो आप तर्क में चले जाएंगे, भाव को मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ और भाव के लेवल पर ही ये मूल्यांकन कर रहा हूँ, क्या ये मुझे सहज स्वीकार है, क्या इसकी निरंतरता मैं चाहता हूँ। ये अगर मैं कर रहा हूँ तो ये एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू मूल्यांकन करना। अगर आप तर्कों से सेटल कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा चीजें सेटल हो गई हैं, लेकिन हम प्रभावित तो हो ही चुके हैं। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही आपका ध्यान बाहर की चीज हटेगा, वो जो प्रभाव है फिर से ऊपर आ जाएगा, या जब जब उस व्यक्ति का आप ध्यान करेंगे वो प्रभाव आ जाएगा। तो इसीलिए दीदी ये जो दो स्टेप की बात हो रही है ना, इसको और हम लोग गहराई से थोड़ा अभ्यास करें कि हम ऑब्जर्व करके मूल्यांकन कर रहे हैं या तर्क के आधार पर सेट कर रहे हैं, ये दोनों चीजों को हम लोग और गहराई से देखेंगे। जी जी दीदी, भैया, थैंक यू, मुझे समझ आ गया। मैं एक्चुअली भाव के ऊपर ध्यान नहीं दे के अपने विचार पर ध्यान दे रही थी कि मेरे विचार क्या चल रहे हैं, और मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए जी रॉन्ग हो रहा था। जी भैया, थैंक यू। जी इसीलिए ये स्टेप वन के साथ स्टेप टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टेप वन में मैं अवेयरनेस के साथ देख रहा हूँ, तो विचार दिख गया तो विचार देख रहा हूँ, फिर उसके पीछे के भाव को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और भाव को देखने के साथ मैं अपने से ये इवेलुएट कर रहा हूँ कि ये जो भाव मेरे में है क्या ये सहज स्वीकार है, क्या ये मेरे स्वभाव के अनुरूप है, क्या मैं इसकी निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूँ। वो स्टेप वन अगर ठीक से नहीं होगा तो फिर हम तर्कों से सेट करते हैं, और वो जब तर्कों से सेट करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम डाइवर्ट तो हो जाते हैं, सप्रेस तो कर लेते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, और फिर वो, है ना, जैसे ही आपका ध्यान बाहर से हटेगा वो फिर से आपकी संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो मुझे लगता है हम सबको ये दोनों ही चीजों को, है ना, बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि हम एनालिसिस करके चीजों को सेटल कर रहे हैं या ऑब्जर्व करके भाव को देखकर उसका आकलन कर रहे हैं। तो स्टेप वन के साथ स्टेप टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
जी नमस्ते भैया, नमस्ते। अच्छा हाँ नमस्ते। एक क्षण में, हाँ कम आ रहा था, बीच बीच में कम हो जाता है। तो मुझे क्या अच्छा ऑब्जर्व हुआ कि मेरे मन में इतने भाव विवश आ गए कि ये मोबाइल फेंक दूँ। क्या आप मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहे, क्या बोल रहे, जी क्या ऐसा सेशन जी रहते मन में, मैं ऐसा देख रहा था। फिर मन में सही ये बात है। सोच रहा है कि भाई ये तो अभी आवाज नहीं आ रही, ये तो है ही, लेकिन अभी भैया तो क्रिएट भी कर रहे, मन मुताबिक जी नहीं होता तो अपने अंदर देखो। अभी समझो इनका जी आवाज जी कम आ रहा है तो मुझे कंट्रोल किधर करने का है, क्या मेरे अंदर जो भाव पैदा हो रहे है उसको देखने का जी है। जी हाँ, और हुआ समझो आगे भी ऐसा बीच बीच में आवाज कम हो जाएगा तो उसको मैं किस तरह से लेना चाहिए, क्या कि जैसे कि भाई ये चलो, हाँ भाव कम हो रहा है इसका मतलब आवाज कम हो रहा है, इसका मतलब मैं जो चीज मुझे जिस भी सुनने की इच्छा है वो मेरी पूर्ति नहीं हो रही है, डिजायर फुलफिल नहीं हो रही है, उसके कारण मैं दूसरी जगह मेरा ये जाता है, सोच और भाव में गड़बड़ हो जाती है, और गड़बड़ हो जाने से जो जिस तरह से मेरा खुद के ऊपर ये होना चाहिए ऑब्जर्वेशन वो गायब हो जाता है। जी और हाँ, और जो मेन सब्जेक्ट था मेरा जिधर मुझे उन्नति करने का है, ट्रांसफॉर्मेशन जी चाहता हूँ, उधर से हट जाता है और दूसरी चीज इम्पोर्टेंट बन जाती है कि जो मुझे लगता है कि ये अभी मुझे ऑनगोइंगली ये समझ में आ गया कि इस तरह का दिन में भी कई बार किसी के साथ मेरा जब भी बातचीत होता है अगर वो मन मुताबिक कुछ कमेंट अलग करता है तो उस प्रभाव में रह के मैं सोचता हूँ, ना जी कि उसका एज इट इज सुन के। तो उस वक्त प्रभाव होता है तो ऐसा लगता है कि वो किस तरह से गलत व्यवहार कर रहा है, ऐसा मन में विचार आ जाते हैं। ये मुझे जी अभी आपके बातचीत से और ये जो आवाज का कम ज्यादा हुआ उस दौरान मैं खुद को ऑब्जर्व करके जो बता पाया उसमें ये हुआ कि भाई मुझे कैसे भी सिचुएशन होने दो, आवाज कम ज्यादा हो या दूसरे वाला गलत ओपिनियन दे दे, फिर भी मुझे अपने ऑब्जर्वेशन को देखना है और वहां बरकरार रख के सही तरह से रिस्पॉन्स कर रहा हूँ कि नहीं, ये जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक वो हालात हैंडल करने के लिए मैं काबिल नहीं है, यही संकेत दे रहा है, ऐसा मुझे समझ में आया। जी जी तो यस, धन्यवाद। भैया की शेयरिंग पर मैं फिर से एक बात रख देता हूँ, क्योंकि देखिए इसको थोड़ा सा और गहराई से देख लें एक बार, क्योंकि बहुत जल्दी स्लिप होता है एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन करके एवेल्यूशन करने में। तो एक बार मैं अपनी तरफ से रख देता हूँ, हालांकि भैया ने शेयरिंग तो की है लेकिन जस्ट रख देता हूँ, सबके लिए उपयोगी होगा वो। तो देखिए भैया, हाँ इस दोनों बातों को हम लोग ठीक से पकड़ लें, जैसे आपसे अगर हम एग्जांपल एक्सटेंड करें मोबाइल वाले की, तो हमारे मोबाइल की आवाज़ कम आई, हमारे में कुछ विरोध का भाव भरा, है ना, हमारे विचार में आ गया और हमारे विचार में चलने लगा कि मोबाइल को ना उठा के फेंक देते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर हमने वापस आके टर्न लिया और अपने से हम ये कह रहे हैं कि हम इस तरह से भी सोच सकते थे, है ना, कि मोबाइल ही तो है, आवाज ही तो कम आ रही है ना? वो कोशिश तो कर ही रहे हैं ठीक करने की। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत टेक्निकल एक क्लिक हो जाता है हमसे, हमको हम क्या कर रहे हैं, हम ये अपने में देख रहे हैं, अपने में ये बना रहे हैं कि अगली बार से हम इस तरह से सोचेंगे। तो अगर हम इस तरह के कंक्लूजन लेते हैं ना कि इस परिस्थिति में तो ऐसा हुआ, अगली बार से हम इस तरह से इस बात को सोचेंगे, तो बेसिकली वो हम प्रोसेस ठीक नहीं कर रहे हैं। हमको अपने में ये देखना है कि अगली बार जब परिस्थितियां इस तरह की आएंगी तो मैं अपने में ऑब्जर्वेशन बना के रखूंगा कि अब क्या भाव और विचार चलता है। वो होता क्या है, जब हम इस तरह से सेट कर लेते हैं ना ये कंक्लूजन्स कि अगली परिस्थिति में ऐसे हाँ करूंगा, तो हम उन्हीं ओके कंक्लूजन ओके से स्टार्ट उदय, करते हैं, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट नहीं करते हैं। हाँ जी जैसे बहुत सारे लोग वर्कशॉप में ये कहते रहते हैं कि हमको पता तो है सह स्वीकार क्या है लेकिन बार बार हो तो वही जाता है। तो बेसिकली उसमें टेक्निकल स्लिप यही होता है कि जब चीजें हो रही होती हैं तब हम अपने में अवेयरनेस से नहीं पूछते हैं, हो जाती हैं
तब हम इस तरह का तर्क सेट करते हैं कि अगली बार अपने से देखेंगे कि सहज स्वीकार होगा तो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा करने से ऐसा हो जाएगा, ये जो तर्क बनाते हैं ना और कंक्लूड करते हैं, तो अगर हम कंक्लूड कर दे रहे हैं कि अगली बार से हम ऐसा सोचेंगे, तो हम फिर ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इस कंक्लूजन से स्टार्ट करेंगे। ओके okay, अभी तो आया ऐसा ध्यान में। हाँ, आप जो बोलना जी चाहते थे कि मेरे मन जी में वो जी जो थॉट आया कि अरे मैं इसको अलग ढंग से सुन रहा हूँ, ऐसा मेरे मन में आया कि इसको गलत ढंग से ले रहा हूँ, तो इसको इस तरह हाँ से नहीं लेने का है, इसको इस तरह से लेने का है कि भाई ये होने के बावजूद भी मुझे स्टेबल रहने का है। क्या जी इस जी तरह से मैं उसको ले रहा था? और ऑन द कंट्री आप बोल रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो है, आप ऑब्जर्वेशन बनाए रखो, जब तक ऑब्जर्वेशन बनाए रहेगा और वही रास्ता है, अगली बार अगर होगा जी तो ऑब्जर्वेशन नहीं जाए, सही आगे बढ़ना रास्ता है, ना कि सोच के जाना। ओ जी बिल्कुल हम क्या अपनी बात थिंकिंग बदल रहे हैं, है। भाव को थिंकिंग सेटल लेवल नहीं पे, कर हाँ रहे हैं, यस है ना? तो आया ध्यान में। बेसिकली हमको भाव को सेटल करना है, थिंकिंग तो वैसे ही हो ही जाएगी जैसा भाव चलेगा। तो ये मुझे लगता है कि हम सबको जो है ये दोनों बातों को सही से देखना चाहिए एक बार फिर। धन्यवाद धन्यवाद। जी सर, नमस्ते भैया नमस्ते भैया, जी। सभी को नमस्ते भैया। मैं जो एक्सरसाइज 1 जो की थी उसका कुछ ऑब्जर्वेशन और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जी हाँ भैया, एक तो ये जो है शिफ्टिंग क्यों होती है? ऑब्जर्व तो करते रहते हैं, एक थॉट से दूसरे थॉट पे चले जाते हैं, जी एक तो ये था। और जब मैंने कई बार एक्सरसाइज की अपने मतलब पूरे दिन में, तो उसके अंदर भैया कई बार तो मतलब बचपन की मेमोरीज आ जाती हैं, कुछ ड्रीम्स चलने लग जाते हैं, तो जी उसमें कहीं तो मूड ऐसा इतना अच्छा हो जाता है और कहीं पर कोई मेमोरी ऐसी आती है तो एकदम से डाउन हो जाता है, मूड मतलब खराब हो जाता है। तो देख देख, तो ये पूछना था भैया आपसे, एक तो शिफ्टिंग क्यों होती है बार बार? जी ठीक है, तो दोनों बातें मैं एड्रेस कर देता हूँ, पहले दूसरी वाली बात कर देता हूँ, फिर ये शिफ्टिंग वाली अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। तो देखिए, कल्पनाशीलता में जो है वही आ गई, तो अगर आप पास्ट मेमोरी है तो पास्ट मेमोरी आ रही है, कहीं भाव एड्रेस नहीं हुआ है तो वो निकल के आ रहा है। तो अभी तक हम क्या करते रहे कि अभी तक हम बाहर अपने को डाइवर्ट करते रहे, तो जैसे ही कुछ मन खराब होता था तो हम बाहर कुछ डाइवर्जन लेते थे, तो उसको देखते नहीं थे। अब जब देखने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो जो है कल्पनाशीलता में वही बाहर दिख रहा है हमको, तो ये अच्छी बात है, जो है उसको देखते रहिए, है ना? अवॉइड करने के बजाय, डाइवर्ट करने के बजाय, स्टॉप करने के बजाय, सप्रेस करने के बजाय, तो ये प्रक्रिया ही ऐसे ही चल रही है कि हमको जब देख रहे हैं तो कल्पनाशीलता में जो भी है वो सब दिखेगा धीरे धीरे। अब उसमें बस उतनी ही सावधानी रखने की जरूरत है जो हम लोग बार बार स्टेप वन में बता रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसको स्वीकारिए कि ये ऐसा है मेरी कल्पनाशीलता में भी, और उसको देखते रहिए। देखिए फिर से मैं बता दूं, अच्छा नहीं कुछ हुआ है कल्पना सुल्तान में, वो आपके ध्यान में आ रहा है, अभी दिख रहा है, उससे इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ये जो अच्छा नहीं चल रहा है उसमें फिर आप विश्लेषण जोड़ने लगते हैं, इससे ज्यादा मन खराब हो जाता है। तो जैसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है फिर बहुत सारे कुछ लोगों के चेहरे ध्यान आ जाते होंगे, फिर आप उसमें इफ एंड बट करते हैं, ये सब जो करने लगते हैं ना ये ज्यादा दुखदाई है। उसमें क्या होता है फिर हम फंसते चले जाते हैं, दलदल जैसा है, तो उसके कारण ढूंढने लगते हैं हम लोग इफ बट वाई करके, कारण मिल रहे ही नहीं है, क्योंकि कारण तो हमारे संस्कारों से जाके जुड़ेगा और संस्कार तो फिर भाव से भी सूक्ष्म है, तो अगर हम भाव को भी नहीं देख पा रहे हैं तो संस्कार के लेवल पर जाकर हम कारण देख लें, ये तो अभी थोड़ा सा फिक्सर प्रोसेस है। तो इसीलिए वो बात हम लोग कह रहे हैं कि हम उसको देखते रहे, जैसे ही देख रहे हैं और किसी दूसरे व्यक्ति का ध्यान आ रहा है तो आप अपने को फिर से रीइन्फोर्स करिए कि हमें तो अपने को देखना है, जो चल रहा है उसको भी देखना है। इसको अगर करते रहेंगे ना तो उसको एक बार निकल जाने दीजिए, वो एक कांटे की तरह फंसा रहता है, वो जब तक निकलेगा नहीं तब तक वो बार बार आता ही रहेगा, तो बेटर है कि हम उसको निकलने दें। और निकलने दे का मतलब क्या है, हम उसमें फर्दर
कुछ इनपुट ना दे, एक बट वाई क्यों आ गया, कौन सा कारण है ना, किसी का चेहरा ध्यान आ गया उसने ऐसा क्यों कहा, ये सब पर विश्लेषण ना करें। एक बार निकल जाएगा, उसको निकल जाने दीजिए कि हम लोग भाव के लिए बत्र कन्वर्ट कर लेंगे, फिर वो हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी इंटरप्ट कर देते हैं, वो इंटरप्ट करते हैं इसलिए हम ज्यादा परेशान होते हैं, और भी ज्यादा परेशान होते हैं। तो जो अपने में है उसको तो हमको देखना ही है, दुख है तो दुख को भी देख लीजिए, अच्छा आ रहा है तो अच्छे को भी देख लीजिए, और ये अच्छा है कि देख के निकलने दीजिए, एक तो बात ये है। दूसरा शिफ्टिंग वाली जो बात है, उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली शिफ्टिंग हो रही है या मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ, इसको भी और गहराई से देखना है। तो अभी हम एक विचार कुछ कर रहे होते हैं है ना, और वो विचार करते करते उसमें से कोई लिंक आता है, उससे हम दूसरे विचार में शिफ्ट करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अभी हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बात करते करते मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि आप उसमें एक बार वाई मत लगाइए, किसी का चेहरा ध्यान आ जाता है तो हम उसमें कारण ढूंढने लगते हैं। हो सकता है ये सुनते सुनते कई लोग का चेहरे ध्यान आ गए, अब हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो शिफ्टिंग हो रही है या शिफ्टिंग हम कर रहे हैं। तो इन दोनों में देखेंगे तो मुझे लगता है शिफ्टिंग हम कर रहे हैं, हम एक चीज को पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं, तब तक उसमें कुछ जोड़ देते हैं, बता देते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये शिफ्टिंग हो नहीं रही, शिफ्टिंग हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अवेयरनेस में ये नहीं बना रहता है अभी कि शिफ्टिंग भी हम ही कर रहे हैं। तो एक चीज को हम पूरा प्रोसेस नहीं होने देते हैं, तब तक हम उस पर दो तीन प्रश्न खड़े कर देते हैं अनअवेयरनेस में, तो शिफ्टिंग हो जाती है। तो इन दोनों ही बातों को लिए स्टेप वन में हम लोग यही कह रहे हैं कि हम बस शिफ्टिंग हो भी गई है ना तो कुछ बुरा नहीं हुआ है, हमने अनअवेयरनेस में निर्णय लिया ऐसे हो रही है, उसको भी देखते रहिए आराम से। तो अगर आपकी अवेयरनेस में ये आ गया तो कुछ शिफ्टिंग हो गई है तो ठीक है, शिफ्टिंग हो गई है, देखते हैं। ये देखने का प्रोसेस जितना हम डीप करते जाएंगे उतना ही ग्रेजुअली हम ये देख पाएंगे कि ये सारी चीजों के पीछे निर्णय मेरे चल रही है ना। और जब एक बार ये हो जाएगा तो हम लोग स्टेप 3 4 आप पहले से ही देख चुके हैं, उसको हम लोग चल सकते हैं आगे। लेकिन उसमें होता है कि हम बीच में इंटरप्ट करते हैं, तो शिफ्टिंग क्यों हो गई है ना, हमारा तो एक ही चीज पर फोकस होना चाहिए था, हो गई तो हो गई क्योंकि निर्णय तो हम ले ही रहे हैं। तो उसको दोनों ही पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही केस में ये सबके साथ होता है, हम सब जब इस प्रोसेस से निकल रहे हैं तो सबके साथ होता है। केवल इशू इतना है कि अब कौन कितनी अवेयरनेस से देख रहा है, तो जो ज्यादा अवेयरनेस से देख रहा है वो शिफ्टिंग के होने के पीछे के इशू को भी देख पाएगा, और ज्यादा अवेयरनेस से देख रहा है तो वो शिफ्टिंग भी निर्णय पूर्वक कर सकता है, व्यवस्था के अर्थ में, शास्त्र के अर्थ में, संबंध के अर्थ में। तो पूरा इशू इस बात का है कि कितना गहराई से, कितना ऑब्जर्वेशन से चीजों को देख रहे हैं, ना कि उसमें तर्क करके देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट को हम जितना गहरा करेंगे, इन सब चीजों से हम धीरे धीरे दिखने लगेगा क्या हो रहा है ये, और दिखने लगेगा तो हम रिजॉल्व भी कर पाएंगे। जी भैया, जी भाई, धन्यवाद भैया। ठीक है, तो समय हो गया है, हम लोग यहीं पर रोक सकते हैं। कुछ लोगों के प्रश्न में हाथ रेज एंड्रेज हैं, इसको हम लोग कर लेंगे। तो बस मैं 1 मिनट में इतना ही कहना चाहूंगा, अभी तक हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, अब ऑब्जर्वेशन के साथ हमको अपने भाव तक जाना है, और भाव के लेवल पर जाके ये पूछना है कि मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, इसकी निरंतरता को मैं बनाए रखना चाहता हूँ कि नहीं। और जैसा सीमा दीदी से बात हो रही थी, भैया से बात हो रही थी, कि हम विश्लेषण कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन करके मूल्यांकन कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग और गहराई से अगर देख पाएंगे तो जल्दी चीजों से परिमार्जन हमारे में हो पाएगा। ठीक है दीदी, प्रियदर्शनी दीदी, इसको देख लेते हैं अभी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज ये विचार में कैसे हम उलझे हैं उस बात की क्लैरिटी हुई है काफी, हर भाव को देखना है। जी धन्यवाद भैया।